तो दोस्तों, आज के टाइम पर जो वाटर पंप का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं वाटर पंप के डिटेल्स के ऊपर भी, और एक पार्टिकुलर कंपनी या उसके ब्रांड नेम को लेकर, ठीक है। तो अगर आप सभी ने ये देखा है तो मैं आपको आई कार्ड पे वीडियो दे दूंगा, लास्ट में यहाँ पर ऊपर रहता है, जाकर देख लेना, ठीक है। अभी मैं आपको वरुणा कंपनी के बारे में बताता हूँ, वो भी आधा हाथ पावर के बारे में। एक हाथ पावर के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसका प्राइस भी और सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिलहाल आज के टाइम पर तो प्राइस बढ़ गया है, इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज मैं आपको आधा हाथ पावर में वरुणा का मोटर दिखाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, और क्या आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए ये भी बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले जाकर अपना नल का बोरिंग चेक करो। चेक करो मतलब ये कि क्या बोरिंग सही है, और दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि बोरिंग कितने फुट पर है। लेट सपोज आपकी बोरिंग है 25 फुट, 30 फुट, ठीक है, 25, 30, 35 फुट है आपकी नल की बोरिंग, और जो जो बोरिंग है उससे पानी भी सही आ रहा है, जो आपका नल है वो भी अच्छा खासा काम कर रहा है, यानी कि कुल मिला के जो नल है आपका वो सही सलामत चल रहा है, नल कोई भी झटका नहीं मार रहा है, या फिर कोई इसमें जैसे ही आप हैंडल मारते हो तो वापस हैंडल बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, या पानी बहुत ज़्यादा कम तो नहीं निकलता है, या पानी ख़राब तो नहीं निकलता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को देखनी है, और अगर ये सारी चीज़ें सही है, यानी कि आपका नल बहुत ही सही सलामत चल रहा है, बहुत ही हल्का हैंडल है, उसका पानी भी अच्छी खासा आता है, उसका टेस्ट भी पानी का सही रहता है, और जो बोरिंग है नल की वो आपकी 30 या 35 या 25 फुट पर है, और पानी आपके यहाँ जो वाटर लेवल है आपके यहाँ वो ऊपर है, तब आप जो आधा पावर का वाटर पंप है वरुणा का वो आप लोग लगवा सकते हो। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि देखने में कैसा दिखता है आधा हाथ पावर वरुणा का मोटर, और साथ ही साथ मैं आपको उसका प्राइस भी बता दूंगा। और एक चीज़ और जान लो, जैसे कि अब आजकल तो सभी लोग का सपना कह सकते हो, या फिर अधिकतर लोग यही सोचते हैं, मानते हैं कि 3 मंजिला घर या 4 मंजिला घर तो होना ही चाहिए। तो अधिकतर लोग 4 मंजिला 3 मंजिला घर बनवाते ही हैं। तो अगर आपका भी 3 मंजिला या 4 मंजिला घर है और आप आधा हाथ पावर लगवाने की सोच रहे हो, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आधा हाथ पावर मत लगवाओ, इससे अच्छा एक हाथ पावर लगवा लो। क्यों? क्योंकि अभी देखो आपका आधा हाथ पावर लगवा रहे हो, ठीक है, 3 या 4 मंजिल पर पानी जाएगा, अच्छे से जाएगा, ठीक है, प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे 2 से 3 साल में हो सकता है कि जो पानी का वाटर लेवल है वो 5-10 फुट और थोड़ा सा नीचे चला जाए, तब फिर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि एक तो वाटर पंप जो वाटर टैंक है वो भी आपने बहुत ही 3-4 मंजिल पर रखा हुआ है, और प्रेशर से आपको पहुंचाना भी है वहां तक पानी, तो वो अकेला आधा पावर का मोटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर लेवल भी नीचे घट गया है और बहुत ऊपर पानी भी लेकर जाना है। तो आपको इससे अच्छा एक हाथ पावर का ही लगवा लेना चाहिए। तो एक हाथ पावर का वीडियो आप लोग देख सकते हो, आपको एक हाथ पावर के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं और देखते हैं कि मोटर देखने में लगता है। तो गाइस, ये रखा हुआ है हमारा वरुणा का आधा हाथ पावर मोटर। बाकी इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, लेकिन फिर भी इसमें जो हमारा एक शॉर्टकट डिटेल्स लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉडल नेम है इसका सैपफायर। अगर आप 1 HP में लोगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा सैपफायर 1, अगर आधा हाथ पावर लोगे तो सैपफायर लिखा रहेगा, वरुणा सैपफायर। यहाँ पर आप देख सकते हो 25x25 mm का होता है, यानी कि 1 इंची का। बाकी किलोवाट आप देख सकते हो HP, आधा हाथ पावर यहाँ लिखा हुआ है। फेस 200 वोल्टेज 220 का है। स्पीड हमारा 2800 RPM है। एक गत्ते में एक ही मोटर रहता है और 7 किलो वेट होता है। ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो किलोसर का मोटर होता है, आप चाहे अगर आधा हाथ पावर से आधा हाथ पावर को कंपेयर करोगे, यानी कि वरुणा का आधा हाथ पावर और किलोसकर का आधा हाथ पावर, अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो वरुणा का जो वेट है वो ज़्यादा ठहरेगा। तो जो वरुणा की हैवीनेस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। बाकी MRP आप देख सकते हो यहाँ पर 3520 दिया गया है, और ये पंप का सीरियल नंबर, बाकी QR कोड और सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको मोटर को ओपन करके दिखा देता हूँ कि देखने में कैसा दिखता है। ये हमारा वारंटी कार्ड है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। इसमें सिंपल सा पेज होता है, फालतू का इसमें इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं डाला हुआ है। ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन मिला सकते हो। इसके अलावा ये हमारा मेन मोटर है, देख लो आप लोग, यहाँ पर भी इसकी वरुणा की ब्रांडिंग की गई है। और अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा हैवी है गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 7 किलो का है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हैवी भाई। आधा हाथ पावर के हिसाब से जो इसका वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है।
और बाकी ये है आपका पानी निकालने वाला है जिसका साइज 1 इंची होता है और इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। साथ में आपको इसका आज के डेट का प्राइस बता दूँ तो ये आपको 3000 से लेकर 3200 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है, आज के टाइम का बता रहा हूँ लगभग, और आगे आने टाइम पर क्या होगा आप ये तो मुझे भी नहीं पता, प्राइस तो बढ़ा हुआ है या मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया। तो बस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।